तो अभी मार्केट में आ गया है, यहाँ जो है ना बहुत सारे हर होलसेलर कपड़े का दुकान सब है। आ गया हूँ और ये जानकारी बताना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के लगभग 9:30 हो रहा है और अभी मैं चल रहा हूँ सीधे सीतामढ़ी माल लाने। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं। और दोस्तों ये हमारे घर से लगभग 200-300 मीटर पर पंचायत भवन पड़ता है, तो ये जगह है, देख सकते हैं इस तरह का है। और ये सब भतीजा लगने वाला है, तो ये सब घूमने आया है। अभी दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट सीतामढ़ी दुकान में चलते हैं। सीतामढ़ी और यहाँ का सीतामढ़ी का मशहूर मंदिर है जानकी माता का मंदिर, तो वहीं पे आप लोगों को दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं इस तरह का व्यू है मंदिर का। और अभी सुबह का लगभग 10 बज रहा है अभी इस समय, तो अभी जास्ती भीड़ नहीं है, धीरे धीरे अभी भीड़ हो रहा है, देख सकते हैं। अरे मंदिर है तो अंदर में चल के आप लोगों को दर्शन कराते हैं जानकी माता के। तो अभी अंदर आ गया हूँ और देख सकते हैं जानकी बताना, पीछे वाला कैमरा से दिखाता हूँ अच्छा से, देख सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है दर्शन करने के लिए। और दोस्तों फोटो भी बनाया हुआ है चारों तरफ, देख सकते हैं ऊपर में। और दोस्तों जानकी स्थान के अंदर में ही और भी कितना सारे जो है ना मंदिर बना है छोटा छोटा, तो आइए आप लोगों को बारी बारी से सब दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मूर्ति है, मंदिर है हनुमान जी का, जो कि जानकी माता के मंदिर के जस्ट बाजू में है। उसके बाद दोस्तों आता है, जब जग होता है ना कभी कभी तो वहाँ पे होम होता है, तो ये होम वाला मंदिर है। इससे आगे आते हैं तो इसमें जो है ना दोस्तों 2-3 मूर्तियाँ रखा हुआ है, लेकिन पर्दा लगा इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इधर मनौती वाले से जो है ना पूजा वूजा कर रहा है। और दोस्तों अगला मंदिर है दुर्गा माता का, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, सही से दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों जूम करके। तो इस प्रकार से है दोस्तों। और दोस्तों आइए अगला मंदिर देखेंगे, उससे पहले ये देख सकते हैं ये दक्षिण साइड से एक छोटा सा गेट है। और दोस्तों ये जो है ना रिधि सिद्धि गणपति बाबा मौर्या का मंदिर है। और दोस्तों इधर से जानकी स्थान मंदिर इस प्रकार से दिखता है। और दोस्तों ये जो है ना भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, इसमें भी 2 गेट है, तो आइए आप लोगों को दूसरा गेट से दिखाते हैं। इस वाला गेट तो बंद है। और दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरह का व्यू है अंदर का। और ये भोले बाबा का मंदिर है, मतलब नीच में है, देख सकते हैं भीड़ होता है तो वो साइड से निकलता है, इधर गेट बंद था। और दोस्तों देख सकते हैं जो माना हुआ रहता है ना वो सब पूजा करता है सत्यनारायण भगवान का, तो देख सकते हैं पूजा वूजा हो रहा है, सब अपना पूजा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग अभी जो है ना सीजन थोड़ा ऑफ है तो कम भीड़ रहना, थोड़ा भी जगह नहीं रहता है, भीड़ पर भीड़ आदमी पर आदमी रहता है। दोस्तों आइए एक बार और दर्शन करते हुए बाहर की ओर निकलते हैं। दोस्तों निकल गए दोस्तों बाहर, और चलिए चप्पल पहन लेते हैं, चप्पल पहन ले बाहर निकलते हैं। दोस्तों बाहर का इस तरह का व्यू है, नज़ारा है, देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है। दोस्तों एक बात है, यहाँ पर जब आ जाते हैं ना तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, ऐसा धर्म स्थल है। और यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए, अगर सीतामढ़ी आते हैं तो यहाँ दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो है ना सीतामढ़ी ज़िला का ये सबसे मशहूर धर्म स्थल है। तो दोस्तों आइए आप लोगों को एक और अच्छे खूबसूरत सा झलकिया दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस समय जो है ना भीड़ नहीं है, नहीं तो थोड़ा भी जगह नहीं रहता है यहाँ पर। और इधर बाहर से आया हुआ है ना
मनौती भाड़ा उतारने के लिए वो सब टेम्पू अंदर ही लगाता है, देख सकते हैं। और यही सबसे बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है जो कि अंदर लेकर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो अंदर प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों, और प्रवेश करते हैं, यहाँ पर दो हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों अंदर आइएगा तो यहाँ पर पोस्टर टंगा हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ का नियम का पालन करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो है ना पोखरी है, पोखरी के अंदर में मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर बनने का कारण देख सकते हैं, इस तरह का पोखरी है, चारों तरफ से कंपाउंड घेरा हुआ है, इधर जो है ना बहुत सारे फोटो भी बना हुआ है, देख सकते हैं। और पोखरी के अंदर मूर्ति मंदिर बनने का कारण यह है कि दोस्तों यहाँ जो है ना सीता माता का जन्म हुआ है, सीतामढ़ी में जो कि जन्म हुआ है वो तो पुनौरा धाम है, वो बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर भी बहुत भारी कहानी है, तो अगले वीडियो बनाएंगे जानकी स्थान और पुनौरा धाम के, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कराएं। दर्शन कर लिए दोस्तों, और अभी चलते हैं। तो दोस्तों अभी दर्शन कर लिया अभी, और चलते हैं, गाड़ी बाहर लगा हुआ है तो गाड़ी लेकर के फिर फिलहाल मिलते हैं दुकान पे चल करके। दोस्तों ये मेन रोड है जो कि मैसौल चौक पर सीधे जाता है, जानकी स्थान से सीधे मैसौल चौक पर जाता है, ये मेन रोड है। तो चलिए दोस्तों क्रॉस कर लेते हैं। और दोस्तों अभी मार्केट में आ गया, यहाँ जो है ना बहुत सारे हर होलसेलर कपड़े का दुकान सब है, तो देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और दोस्तों मैं इस दुकान से लेऊँगा माल, तो ले लेते हैं माल, उसके बाद में जो जो माल सब लेना है ना वो सब ले लेते हैं, उसके बाद में निकलते हैं, चलते हैं फिलहाल लेते हैं माल सब। इधर भैया पूछ रहे हैं कि क्या क्या माल है, अभी जो जो माल से लेना था वो सब ले लिए, थोड़ा बहुत कमी सा था वही सब लिए हैं, ये सब लेते हैं। तो भैया अभी हिसाब कर रहे हैं और हिसाब करवा लेते हैं, उसके बाद में निकलते हैं। दोस्तों अभी माल ले लिया, हिसाब भी हो गया, और इधर पैक भी हो गया, इधर पैक कर रहे हैं, तो ले लेते हैं और उसके बाद में निकलते हैं। हिसाब सब कोई पैसा भी दे दिया, और चलिए फिलहाल निकलते हैं बांधवा करके, बांध देते हैं। उसके बाद चल रहा हूँ, दुकान से भी निकल चुका हूँ, और दोस्तों अभी मेन रोड से नहीं चल रहे हैं, गली वाला रास्ता से चल रहे हैं। दोस्तों चलिए फिलहाल टाउन से आगे निकलते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता किया हूँ लिट्टी चौक में से, और दोस्तों इधर हमारा गाड़ी लगा हुआ है, देख सकते हैं। दोस्तों अभी चलते हैं और टाउन से भी निकल चुका। दोस्तों सामने ये देख रहे हैं सिद्धि विनायक होटल है, जो कि सीतामढ़ी से सीधे बैरगनिया वाला रोड में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल निकल रहे हैं, देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्यारा सा व्यू है। दोस्तों अभी टाउन से मैं आ गया हूँ, और यहाँ से लगभग हमारा घर 5 किलोमीटर है, तो लगभग ज़्यादा कितना 15 मिनट तक लगेगा, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर, और दोस्तों देख सकते हैं इतना ही माल लाया हूँ, एक बोरा है। और दोस्तों ले गया था कितना, लगभग 11,000 रुपया ले गया था, लेकिन 6,000 का ही माल लाया, 6,000 में भी 300 रुपये का 5700 का माल है, और लगभग डेढ़ महीना से जो है ना काम छोड़ा हुआ था, गर्मी वाला कपड़ा ही बेच रहा था। अभी जो है ना अभी गया हूँ तो ठंडी वाला बहुत सारा आइटम लाया हूँ, नया बहुत आइटम था ठंडी वाला, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लाऊँ क्या नहीं। तो फिर भी ट्राउजर उजर सिर्फ ले गया हूँ, जो ज़्यादा पर साल बेचा हुआ था ना, तो ट्राउजर उजर खरीद लाया हूँ, और 5-6 5700 का माल, और 3-4 दिन बेचते हैं, देखते हैं किस चीज़ का बिक्री ज़्यादा है, उस हिसाब से माल लेकर फिर जाएंगे। तो 5,000 रुपये अभी हमारे पास है, 6,000 के आसपास में माल लाए हैं। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर, घर पर चल के फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि 5700 का माल क्या क्या कौन कौन सा आइटम लिया हूँ और क्या क्या लिया हूँ। तो चलिए फिलहाल चलते हैं घर, घर पर आप लोगों को दिखाएंगे घर। अभी देख सकते हैं इस तरह का व्यू है, अभी लगभग टाइम अभी हो गया है 2:30 बज रहा है। दोस्तों माल अभी उतार लिया, और अभी चलिए अभी दिखाते हैं अभी क्या क्या लिया हूँ। तो ये बोरा है, देख सकते हैं उतार के यहाँ रखा हूँ, और ये हमारा कैरेट है। तो अभी दोस्तों फिलहाल मैं सारे माल को गिनती करता हूँ, कितना टोटल माल पहले का है, अभी तो लाया 5700 का, और टोटल पिछले का जो घर पर है पूरा माल वो देखते हैं कितना का है, उसके बाद में गिनती करके फिर आप लोगों से। दोस्तों पहले वाला ही माल सब है, देख सकते हैं ट्राउजर उजर है, प्लाजो उलाजो सब है,
और इधर है झोरा में है और इस साइड में, और इधर भी है, वो दोनों झोरा में है, थोड़ा थोड़ा आगे गमछा है। दोस्तों सारे माल को गिनती कर लिया, इधर भी था सब सारे को गिनती कर लिया, कितना 12,500 हो गया, वो पिछले वाला माल 12,500 का है। और आज जो लाया हूँ माल है सब देख सकते हैं, ट्राउजर है और इधर ब्लूमर सब है, ये सब देख सकते हैं, ब्लूमर है, टोपी है, स्वीटर है, ओढ़नी है, और एक टेप है, नाइट पैंट सब है, यही सब है। तो यही सब दोस्तों अभी चलते हैं, सारे माल को सरिया लेते हैं अच्छे से, अरे सबको अच्छे से सेपरेट से मेंटेन कर लेते हैं सबको। दोस्तों अभी पूरे माल को सरिया लिया, इसमें जो जो कमी था वो सबको डाल करके पूरा पूरा कर करके गिनती करके मान लिया अच्छे से। और दोस्तों देख सकते हैं गमछा भी पूरा सरिया लिया, पूरा खाली हो गया है चौकी, और इतना बचा है ट्राउजर उजर सा है ना इस बोरा में, इतना बचा है। तो और समय देख सकते हैं इस समय का किस तरह का है, बाहर का व्यू दिखाते हैं, देख सकते हैं अभी 4:30 हो गया है शाम का। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में, कल सुबह चलेंगे फेरी करने। तो